वेलकम टू बाफी किचन। हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? तो आज साउथ इंडियन का स्टाइल में आलू ग्रेवी और पूरी बना के दिखाऊंगा आपको। तो हमारा चैनल पर अगर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आज तो बहुत बारिश हो रहा है बेंगलुरु में, तो मौसम गड़बड़ा है, इसलिए अपना गर्म गर्म पूरी और आलू का करी बनाएंगे। तो बने रहिए शुरू से लास्ट तक, देखिए कैसा बना है। तो मैंने देखिए मैंने तेल ले लिया हूँ थोड़ा सा कढ़ाई में, अभी राई डालूँगा और चना डाल डालूँगा, दोनों को अच्छी तरह से लाल होने देंगे। उसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च, ये जो है ना थोड़ा ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, ठीक ठाक चलता है। देखिए ऐसा वाला अब ट्राई करें घर पे साउथ इंडियन का। अब लोग ऐसे नॉर्मल खा करके बोर हो गया होगा, तो ये कभी कभी अब भी ट्राई इसको कर सकते हैं, अच्छा लगता है टेस्ट। जैसे हम लोग टमाटर प्याज डालते हैं, तो ये अनियन डालेंगे लेकिन टमाटर नहीं पड़ेगा इसमें। हम जो बेसन का पानी करके इसका ग्रेवी बनता है, तो शुरू से लास्ट तक देखिए पता चल जाएगा आपको कैसा बना है बोल के साउथ इंडियन का आलू ग्रेवी सब्जी। तो देखिए हमारा जो मिर्ची वगैरह थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, तो अब ये हम डालेंगे अनियन। अनियन को अच्छी तरह से लाल करके इसमें लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर हल्का सा ना का बराबर जैसा डलते हैं, जैसा बोलते हैं लोग तो नहीं डलते, फिर भी हम लोग थोड़ा सा डालेंगे। तो देखिए बन रही वीडियो लास्ट तक तो आपको मालूम पड़ेगा। देखिए इसमें मैंने एक स्पून लिया हूँ बेसन, तो इसी को पानी मिला के उसका घोल बना देते हैं इसको। तो आखिरी में डालेंगे ये जो बेसन का जो घोल है आखिरी में डालेंगे, इसको थोड़ा सा पतला कर देता हूँ पानी डाल के। देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको पतला करता हूँ, देखिए और सही है तो थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। अभी ये अगर थोड़ा सा कढ़ाई में, गरम कढ़ाई में पड़ेगा ना, इसी का ही देखिए कैसा ग्रेवी बनता है, और भी गाढ़ा हो जाता है इसको उबालने के बाद। प्याज थोड़ा सा और होगा, ये होने के बाद थोड़ा सा अभी हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे, मिर्च पाउडर थोड़ा थोड़ा डालेंगे। देखिए थोड़ा सा मिर्ची पाउडर मैंने डाल रहा हूँ और एक स्पून नमक डाल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा क्वान्टिटी ज़्यादा है वही सब से, और थोड़ी सी हल्दी बस इतना। इसको अच्छी तरह से मिला के आलू ऐड करेंगे। देखिए अभी आलू डालेंगे, इसको थोड़ा सा स्पून में थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए बारी बारी, ताकि ठंड में सबको लगेगा, इतना बड़ा रहने से ठंड में थोड़ा अजीब सा लगता है, तो छोटा छोटा हाथ से चलता है, हाथ में भी मैच कर सकते हैं ऐसा कुछ है। तो अभी हम पानी ऐड करेंगे, पानी जब उबलेगा तभी हम डालेंगे बेसन का जो घोल बना के रखे हैं ना। देखिए ग्रेवी उबल चुका है, अभी हम डालेंगे बेसन का जो घोल बना के रखे थे ना, तो वो डालेंगे। देखिए कैसा कलर आया, ये भी और थोड़ा सा गाढ़ा होगा। अभी घर पर ट्राई करिए कभी कभी, ये भी थोड़ा खाने के लिए चेंज भी हो जाएगा, तो हमारा खाना ये खाना थोड़ा अलग अलग रहता है, ये भी कभी कभी ट्राई करिए फिर घर पर। तो चलिए उसको 2 मिनट खुलाने दे, मतलब उबलने के लिए देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। देखिए आलू ग्रेवी हो चुका है, ऊपर से हम धनिया पत्ता डालेंगे, और पूरी के लिए हम तैयार हो गए हैं ऑयल, तो उसको भी छानेंगे। देखिए इसको धनिया पत्ता डाल के बंद कर देते हैं। देखिए पूरी का चल रहा है, बारिश के मौसम में ऐसे खाइएगा थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए फाइनली हो चुका है पूरी और साउथ इंडियन का आलू ग्रेवी। तो फ्रेंड्स चलिए हो गया था, अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बात करेंगे। अभी के लिए बाय बाय।